स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अपने TCS पढ़ने जा रहे हैं, TCS का होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, वहाँ पे था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यहाँ पे हो रहा है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब क्या है? बोल रहा है अपार्ट फ्रॉम TDS एंड अदर डिवाइस अप्लाइड फॉर क्विकर कलेक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ये सब चीज़ों पर एप्लीकेबल नहीं है, ये है TDS के जैसे ही, लेकिन इसका मेन काम क्या है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 206 ही कहाँ कहाँ पे है पहले ये समझो। एवरी सेलर सेल कलेक्ट टैक्स फ्रॉम बायर, बायर में भी जो मैंने बोला कौन कौन सा बायर, और स्पेसिफाइड गुड्स यानी कौन कौन से गुड्स पे, तो कुछ स्पेसिफाइड गुड्स है, पीछे सर्विसेज था ना मोटा मोटी, TCS TDS में हम लोग सारा सर्विसेज पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्ट का, रेंट का, यहाँ पढ़ रहे हैं कुछ स्पेसिफाइड बायर है और कुछ स्पेसिफाइड गुड्स है जिन पे TCS कटते हैं। तो यहाँ क्या लिखा, डेबिटिंग द अमाउंट पेएबल बाय द बायर टू द अकाउंट ऑफ द बायर और रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट फ्रॉम बायर, बायर से ये अमाउंट काटते हैं। तो पहला बात बोला किस किस चीज पे देखो TCS कटता है, एवरी पर्सन हु ग्रांट अ लीज और अ लाइसेंस और एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज ट्रांसफर ऑफ एनी राइट, देखो ये सब चीज का, कोई पार्किंग लॉट का, कोई टोल प्लाजा का राइट, कोई माइनिंग या क्वेरी का राइट, मतलब माइंस वगैरह का, मिनरल ऑयल का, पेट्रोलियम का, नेचुरल रिसोर्सेज का, या फिर टू एनी अदर पर्सन, टू अनदर पर्सन फॉर द यूज ऑफ सच पार्किंग लॉट, मतलब ये सब चीज़ का हम लाइसेंस दे रहे हैं किसी को कि जाओ मेरा जमीन है वहाँ से तुम माइनिंग का काम कर सकते हो, हम तुमको लीज पे दे रहे हैं या लाइसेंस पे दे रहे हैं, तुमको राइट दे रहे हैं यूज करने का, या पार्किंग लॉट का पैसा कलेक्ट करने का तुमको राइट मिल रहा है। तुम मान लो डोंगू इलाका में, या तुम मान लो अपने जो रामायला इलाका में, गवर्नमेंट तुमको वहाँ पे गाड़ी खड़ा कोई भी करेगा उसका पार्किंग का पैसा कलेक्ट करने का परमिशन दो, पार्किंग लॉट, ठीक है, या टोल प्लाजा जो होता है ना जो अपने न्यू ब्रिज से जाते आते हैं जब, तो वो सब जगह कलेक्शन, या तुम किसी को माइनिंग का काम दो, ठीक है, तो उस पर तुमको अगर कोई लीज वीज मिल रहा है तो उस पर कटता है, या फिर कोई ऑथोराइज डीलर वो रिसीव द अमाउंट फॉर रेमिटेंस ऑफ आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर कोई पैसा रेमिट कर रहे हैं कोई स्कीम के अंदर, इंडिया के बाहर हमको पैसा भेजने का एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम होता है RBI की तरफ से, अगर वैसा हम कुछ पैसा के लिए जैसे कोई प्रोग्राम है, कोई टूर पैकेज है, इसके लिए हम फॉरेन में पैसा भेज रहे हैं, तो वहाँ भी हमको TCS काटना पड़ेगा, ठीक है, तो ये जनरली इन सब सर्विसेज पे है, पार्किंग, टोल प्लाजा, या फिर कोई इंडिया के बाहर कोई टूर या प्रोग्राम का पैसा, माइनिंग का, रिजर्व राइट, ये सब चीज़ के लिए अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो यहाँ पर TCS कटेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन रख दिया, ये जो टूर प्रोग्राम वाला में, अगर हम 7 लाख रुपए से कम रेमिट कर रहे हैं साल में, ये सब पैकेज वैकेज जब टूर प्रोग्राम के लिए पैसा भेज रहे हैं इंडिया के बाद, मान लो तुम टूरिज्म इंडस्ट्री चलाते हैं, अब तुम्हारा तुम लोगों को फॉरेन घुमाने का भी टूरिज्म का काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अगर तुम 7 लाख से ज़्यादा अगर रेमिट कर रहे हैं पैसा, तो TCS काट के पैसा भेजेगा वहाँ, ठीक है। अब मान लो तुम 8 लाख का पेमेंट कर रहे हैं, 7 लाख तक कुछ नहीं है, लेकिन 7 लाख के ऊपर कितना हुआ एक्स्ट्रा, 1 लाख, तो उस 1 लाख पर तुमको TCS कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, बाकी पैसा तुम वहाँ भेज सकते। TCS का भी तो एक अलग रेट होगा। हाँ रेट अलग है, ठीक है। इसके अलावा बोला ये चीज एप्लीकेबल नहीं है अगर कोई ऑथोराइज डीलर के थ्रू तुम पैसा भेज रहे हो, ये एप्लीकेबल नहीं है अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या हाई कमीशन ये सब को भी, अब गवर्नमेंट का भी तो वहाँ प्रोग्राम होता रहता है ना फॉरेन में, हर एक देश का एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं, एम्बेसी, हर देश में इंडिया का एम्बेसी, US में भी इंडिया का एम्बेसी, ब्रिटेन में भी है ना, तो वो सब जगह अगर तुम प्रोग्राम कर रहे हो, तुम सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई हाई कमीशन है, कोई एम्बेसी है, और उसका प्रोग्राम तुम वहाँ पे कर रहे हो, उस केस में पैसा भेज रहे हो, उस पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। और अगर तुम गुड्स भेज रहे हो फॉरेन में 50 लाख के ऊपर,
तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा। 50 लाख तक कुछ नहीं है, 50 लाख के ऊपर भेज रहा है तो 0.1% वो जितना एक्सेस अमाउंट होगा उस पर, यही है तुम्हारा टीसीएस का काम, मोटा मोटी यही है, कुछ है नहीं इसमें। बायर का मतलब यहाँ पे बताया, देखो कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, हाई कमीशन है, इन सबको एक्सेप्ट करके बाकी को बायर मानो। बोला था बायर ये किस चीज को, गुड्स पे एप्लीकेबल है, लेकिन कौन कौन सा गुड्स के ऊपर, और सब बायर पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये गवर्नमेंट वाला बायर है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए भेज रहा है तो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। स्पेसिफाइड गुड्स में क्या लिया, देखो ये सब एल्कोहलिक लिकर, टेंडू लीफ, टिम्बर, एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट, स्क्रैप, स्पेसिफिक मिनरल्स जैसे कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर, या फिर कोई मोटर व्हीकल जिसका वैल्यू 10 लाख से ऊपर है, इन्हीं गुड्स को, हाँ गुड्स के केस में इन पे एप्लीकेबल है, अदरवाइज वो टोल प्लाजा, मिनरल का लीज, पार्किंग लॉट वो तो है, रेट ये रहा। एल्कोहलिक लिकर पे बोला 1%, टेंडू लीफ पे 5%, कोई टिम्बर का काम, लकड़ी का काम, जो फॉरेस्ट को तुम लीज पे लेके लकड़ी काट के बेचते हो, तो ये सब गुड्स के ऊपर अलग अलग रेट दिया हुआ। देखो मेजोरिटी के ऊपर 1% है, ठीक है, दो जगह 2.5 है, एक जगह 5 है, एक जगह 2 है और एक जगह 0.5। टीसीएस में इतना जानकारी बहुत है, शेयर काम का तुम्हारा नहीं है, ठीक है। यहाँ भी पैन नंबर होना चाहिए कलेक्टिव का, तो ऑब्वियस सा बात है, और अगर पैन नंबर नहीं हो तो फिर जो रेट है या फिर 5% पीछे फिर ज्यादा लग जाएगा, जैसे टीडीएस में था ना कि अगर पैन नंबर नहीं है तो 20% लग जाएगा, यहाँ पर भी वैसे ही बोल दिया अगर पैन नंबर नहीं है तो फिर जितना रेट है या 5% पीछे फिर ज्यादा, होगी। अब आ जाओ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, फाइलिंग ऑफ रिटर्न में अपने क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 139(1) बोलते हैं, इसमें कुछ एक काम का सेक्शन है, पहले उनका डिस्कशन कर रहे हैं, बड़ा बोल रहा है कि अगर तुम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कब तक करना पड़ेगा, बोला अगर तुम कंपनी या फर्म है तो तुम्हारा, तो अगर तुम कोई कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है तो तुम्हारा बिजनेस का साइज या इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुमको लॉस भी है तो भी तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटेबल ट्रस्ट और साइंटिफिक रिसर्च के इस चैप्टर में बात करेंगे भी आगे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बिजनेस ट्रस्ट या कोई इन्वेस्टमेंट फंड वाला काम करता है तुम, इन सब में भी तुमको रिटर्न ऑलवेज फाइल करना है, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी इनको हमेशा रिटर्न फाइल करना है। और एनी अदर पर्सन के लिए फिर क्या रूल है, तो उनको बोला कि अगर ये सब डिडक्शन जो तुम क्लेम करते हो ना उसके बाद भी अगर तुम्हारा इनकम वो 2.5 लाख से ज्यादा है तो तुमको रिटर्न फाइलिंग करना है, 2.5 लाख से कम है तो कंपल्सरी नहीं है तुम्हारी। तो क्या देखो सिंपल बात बोला, कंपनी, यूनिवर्सिटी, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड, इनके लिए ऑलवेज रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी है। अदर पर्सन अगर डिडक्शंस माइनस करने के बाद भी अगर तुम्हारा इनकम 2.5 लाख क्रॉस कर रहा है तो तुमको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, साइंटिफिक रिसर्च का इस चैप्टर में बात करेंगे। इनके अलावा गवर्नमेंट बोला इनमें तुम कोई भी हो, लेकिन अगर तुम्हारा कोई इंडिया के बाहर कोई एसेट होल्ड करते हो तुम, या कोई तुम्हारा बेनिफिशियल ओनरशिप है इंडिया के बाहर, कोई एसेट है इंडिया के बाहर या तुम्हारा कोई ओनरशिप है इंडिया के बाहर, मतलब तुम बाहर का कोई बिजनेस में पैसा लगा रखे हो, तो तुमको रिटर्न फाइल करना ही है चाहे तुम कोई भी हो। लिमिट नहीं है उसमें अमाउंट का? नहीं, कोई लिमिट नहीं, उसको रिटर्न भरना ही पड़ेगा, फॉरेन का कमाई है ना, ठीक है। इनके अलावा भी कुछ लोगों को और मैंडेटरी किया, जिन लोगों का 1 करोड़ से ज्यादा
डिपॉजिट अगर कोई आ रहा है तो बैंक को छोड़ दे। नहीं सर, नहीं तुम्हारा सर से गलती हो गई, तुम्हारा कोई करंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है और उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का पैसा का आना जाना हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, आना हो रहा है, चाहे कोई भी बैंक में अकाउंट है, ओवरऑल मिला के अगर 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट में पैसा आ रहा है तो तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तुम 2 लाख से ज़्यादा, हाँ उससे कम आएगा तो नहीं करना पड़ेगा, उससे कम अगर आएगा तो फिर वो तुम्हारा इनकम वाला लिमिट को देखेंगे, 2.5 लाख के नीचे है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम 2.5 लाख के नीचे भी है इनकम, लेकिन तेरे बैंक अकाउंट में करंट अकाउंट में 1 करोड़ के ऊपर पैसा आया है तो तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तुम अगर 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग पे खर्चा कर रहे हो या 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल आ रहे तो तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर तुम अदर कंडीशन को फुलफिल कर रहे सर, और भी कंडीशन आए क्या है सर, अगर तुम्हारा 60 लाख से ज़्यादा ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर है, अगर तुम कोई बिजनेस करता है और अगर तुम प्रोफेशन करता है तो 10 लाख से ज़्यादा तुम्हारा ग्रॉस रिसिप्ट, तुम्हारा TDS या TCS कटा हुआ 25,000 से ज़्यादा का, और अगर सीनियर सिटीजन 50,000 से ज़्यादा का TDS TCS कटा हुआ है तो तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। या फिर तुम्हारे सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट हो, मतलब करंट अकाउंट में 1 करोड़, सेविंग अकाउंट में 50 लाख, 60 लाख टोटल टर्नओवर, 60 लाख से ज़्यादा टर्नओवर हो अगर बिजनेस कर रहे तो, और प्रोफेशन कर रहे तो 10 लाख के ऊपर टर्नओवर होते, मतलब जैसे भी हम टीचर हैं हम 10 लाख के ऊपर अगर कमा रहे हैं हमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिसिप्ट, रिसिप्ट कमाई इनकम का बात नहीं की है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको एक केस दे के पूछा है, मिस्टर एक्स है, उसका 5 लाख टोटल इनकम है, क्या उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? 2.5 लाख से ज़्यादा है ना, उस हिसाब से करना पड़ेगा। मिस्टर वाई है, 30,000 इनकम है, नहीं करना। ए लिमिटेड 10,000 इनकम है, 10,000 तो कैसे बेटा, ए लिमिटेड कंपनी है, कंपनी कंपनी को और यूनिवर्सिटी को और उनको पढ़े थे ना बिजनेस ट्रस्ट को, इनको ऑलवेज रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा भले इनकम कुछ भी हो। देखो ना, बी लिमिटेड का लॉस है फिर भी बोला यस, कंपनी है। देखो यहाँ पर ठीक से चीज को गौर करो, कंपनी है, साइंटिफिक कंपनी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज है या बिजनेस ट्रस्ट है या इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करता है, इनका साइज ऑफ इनकम को नहीं देखना, चाहे लॉस हो तो भी रिटर्न फाइल करना, बाकी में तुमको डिडक्शन के बाद साइज ऑफ इनकम देखना। लेकिन अगर वो लोग भी इंडिया के बाहर कोई बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है या कोई एसेट है तो रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी इनकम हो। अगर तुम्हारा टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस कर रहा है, सॉरी अगर डिपॉजिट 1 करोड़ को क्रॉस कर रहा है करेंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट 50 लाख, तुम फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख खर्चा कर देते हैं, अरे भाई तो तुम्हारा कमाई ऑब्वियस बात है 2.5 लाख से ऊपर है, तुम फॉरेन घूमने में 2 लाख रुपया खर्चा करके आएगी, 2 लाख कैसे उड़ा के आ गया अगर तुम्हारा इतना कमाई नहीं है तो। सब तुम बोल भी सकते, ऐसे मेरा पुराना सेविंग था वहाँ से लिए, कोई बात नहीं रिटर्न फाइल करो, हम नहीं बोल रहे तुम्हारे ऊपर को तुम्हारे पर डाउट है, बट रिटर्न फाइल करो। 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, ऐसा क्या काम कर रहा है कि 1 लाख का इलेक्ट्रिक बिल है, मतलब कुछ तो ऐसा है अर्निंग कर रहा है और अभी 1 लाख का इलेक्ट्रिक बिल भर रहा है, ये सब चीज़ में तुमको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। 60 लाख से ऊपर अगर गुड्स का बिजनेस का टर्नओवर है, 10 लाख से ऊपर ग्रॉस रिसिप्ट है, प्रोफेशन में है, ठीक है, ये सब में तुमको रिटर्न फाइल करना ही है। एक टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू भी रिटर्न फाइल होता है, इंडिया में कई एक जिनको गवर्नमेंट ना चार्टर्ड अकाउंटेंट तो रिटर्न फाइल करता ही है, CA CS लॉयर ये लोग तो रिटर्न फाइल करता ही है, मतलब हम CM तुम्हारा रिटर्न फाइल कर सकते हैं, हम अगर क्या बोलते हैं CS है तुम्हारा रिटर्न फाइल कर सकते हैं, CMA तुम्हारा रिटर्न फाइल कर सकते हैं, हम अगर क्या बोलते हैं लॉयर है LLB पढ़ा हुआ तुम्हारा रिटर्न फाइल कर सकते हैं, मतलब प्रोफेशनल डिग्री वाला तो कर ही सकता है। उसके अलावा सर ऐसा भी एक कोर्स होता है जिसको बोलते हैं TRP का कोर्स, बहुत जन करता है ये कोर्स, जिसमें ना तुमको एक ऑथराइज लाइसेंस मिलता है कि तुम भले कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्ड नहीं करता लेकिन तुम लोगों का रिटर्न लगा सकते। तो यहाँ पे बोला है कि पहला बात तो उसको TRP
द मैन इन द टीआरपी सेल इज द पर्सन फर्निशिंग द रिटर्न टू नो, इस प्रोविजन में पूरा लिखा हुआ है कि टीआरपी वाला कैसे रिटर्न फाइल करेगा, उसका क्या एजुकेशन और क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन ये टीआरपी वाला जो का जो पावर रहेगा वो सर चार्टर से ज्यादा पावर तो नहीं? नहीं नहीं, उतना नहीं रहेगा। ऑब्वियस बात है, ऑडिट वाला रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, नॉर्मल लोगों का रिटर्न फाइलिंग का एक काम दिया, नॉर्मल कोई बीकॉम ग्रेजुएट है, सीए इंटर पास है, तो उन लोगों को भी टीआरपी का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन टीआरपी में जो जो रूल लिखा है उनको फॉलो करते हुए करना पड़ेगा। एजुकेशन में तुमको सिंपल बात बता दिया, कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्ड नहीं करना चाहिए, जो कोई लिख दिया पर्सन नॉट एलिजिबल टू बिकम टीआरपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होना चाहिए, लीगल प्रैक्टिशनर नहीं होना चाहिए, कोई शेड्यूल्ड बैंक का ऑफिसर नहीं होना चाहिए, या फिर एक बता दिया तो फिर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन का बैचलर का डिग्री होना चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट का एग्जाम पास हो कोई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया से, या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से, या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, यानी जो तुम लोग पढ़ रहे हो उससे, मतलब कोई इंटर पास हुआ लेकिन फाइनल डिग्री नहीं ले पाया, तो वो लॉ उसको एक ऑप्शन दिया इनकम टैक्स लॉ कि वो भी टीआरपी बन के अपना कमाई कर सकते। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिटर्न फाइलिंग करते समय क्या अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ना, तो कौन सा फॉर्म कौन भरेगा, तो तुम्हारा अगर पहले बोला आईटीआर 1 फॉर्म का नंबर्स है तो आईटीआर 1 कौन भरेगा, अगर कोई का आदमी का सैलरी इनकम है और एक ही घर से कमाई है, मतलब एक घर वाले पे है, सैलरी इनकम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है और किसी हेड में लॉस नहीं है और 50 लाख से कम का टोटल इनकम, क्या कंडीशन रखा है, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स से कमा रहा है, मतलब कैपिटल गेन नहीं कमा रहा, बिजनेस प्रोफेशन से नहीं कमा रहा। ठीक है, ठीक है, और उसका सर लॉस भी नहीं है किसी हेड ऑफ इनकम से और 50 लाख से नीचे इनकम है, तो इनको गवर्नमेंट बोला आईटीआर 1 भर लो तुम, क्योंकि आईटीआर 1 बहुत इजी है, दो पेज का फॉर्म है, पहला पेज में तुम्हारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नाम, पैन नंबर, एड्रेस, एना चेना, वो सब, और उसके बाद वाला पेज में तुम्हारा खाली सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, अदर सोर्स से जो इनकम करी थी। ठीक है, लेकिन ये फॉर्म कौन नहीं यूज करेगा, तो अभी हम बोला था जिनका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, सर किसी भी हेड से लॉस है वो तो नहीं भर सकता ना, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो भर लो रिटर्न आईटीआर 1, लेकिन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो आईटीआर 1 नहीं भर सकते। ठीक है, अगर कैरी फॉरवर्ड लॉस है, सॉरी पिछले साल का कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस, या फिर उसका कोई एसेट इंडिया के बाहर है तब वो नहीं भर सकता। ठीक है ना, कोई इंडिया के बाहर से कोई इनकम है तो भी वो आईटीआर 1 नहीं भर सकता फिर, क्योंकि उसको और ज्यादा डिटेल्स देना पड़ेगा। क्या हुआ, फैमिली पेंशन का इनकम नहीं है उसका। डायरेक्टर नहीं है वो किसी कंपनी में, अनलिस्टेड कंपनी का इक्विटी शेयर होल्ड नहीं कर रहा है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा नहीं है और ओवरऑल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आईटीआर 1 भर लो, इजी है। ठीक है, कैपिटल गेन नहीं है, पीजीबीपी नहीं है उसको, तो हम पहले ही बोल दिया। सर आईटीआर 2 कौन भरता है, वो इंडिविजुअली एचयूएफ नॉट कैरिंग, मतलब बाकी कोई भी इनकम हो सकता है बिजनेस प्रोफेशन छोड़ के, तो वो आईटीआर 2 भर लो, मतलब सर ऊपर आईटीआर 1 में कैपिटल गेन अलाउड नहीं था, लॉसेस अलाउड नहीं था, तो यहाँ बोल दिया ठीक है बिजनेस प्रोफेशन छोड़ के अगर तुम्हारा कैपिटल गेन और लॉसेस वगैरह है तो आईटीआर 1 नहीं भर सकते, आईटीआर 2 भर लो, बट बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस इनकम के लिए आईटीआर 4 है। आईटीआर 3 बोला एचयूएफ वालों के लिए इंडिविजुअल होंगे जिनका बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम, आईटीआर 3 और 4 बिजनेस वालों के लिए, लेकिन आईटीआर 3 उन बिजनेस वालों के लिए जो पूरा अपना डिटेल जमा करना चाहती है, और आईटीआर 4 उन लोगों के लिए, याद है हम अभी पढ़े थे कि जिनका स्पेसिफाइड बिजनेस है या जिनके पास इनकम का डिटेल शो करने के लिए नहीं है, 44AD पीजीपी भी पढ़ते समय पढ़े थे ना, जो जिसका इनकम बोल रहा है कि मेरा 50 लाख से कम इनकम है,
और मेरे पास उतना डिटेल मेंटेन नहीं है खर्चे का इनकम का, तो वो लोग चुपचाप आईटीआर 4 भर दो, टोटल अपना सेल दिखा दो आईटीआर 4 में, और अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट में पैसा आया है पूरा का पूरा जो तुम सेल दिखा रहे हो, तो तुम 6% को अपने इनकम मान लो। मान लो जैसे एग्जांपल देता है, मेरा 40 लाख का टर्नओवर है, 40 लाख, 50 लाख से कम है, मेरे को गवर्नमेंट ऑप्शन दिया हम आईटीआर 4 भर लें, आईटीआर 4 में अपना सेल का डिटेल दिखा दे। हेलो, अब अगर मेरा पूरा का पूरा बैंक अकाउंट में पैसा है तो इस सेल का 6% को अपना इनकम मान ले। सर हम 6% से कम कमाए, मेरा तो बिजनेस में 5% इनकम है, तो फिर पूरा डिटेल भरो, आईटीआर 3 भरो और पूरा डिटेल के साथ भरो। लेकिन तुम बोला नहीं है सर इतना डिटेल, तो कोई बात नहीं, तुम आईटीआर 4 भर लो, 6% अपना इनकम मान लो, तो 40 लाख का 6% 2,40,000 है ना, 2,40,000 अपना इनकम मान लो। अब अगर तुम टैक्स में नहीं आ रहे तो टैक्स में नहीं आ, ठीक है ना, इनके लिए आईटीआर 4 का ऑप्शन रख दी। मतलब जिन लोगों का ये 44AD, 44E ये सब टाइप का बिजनेस है, इनके पास इनकम का डिटेल नहीं है, गवर्नमेंट वाला कोई बात नहीं। लेकिन इतना ध्यान रखना, तुम्हारा इंडिया के बाहर कोई एसेट नहीं होना चाहिए, इंडिया के बाहर से कोई इनकम नहीं होना चाहिए, तुम किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, 50 लाख से तुम्हारा इनकम एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, तभी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं होना चाहिए, सिर्फ बिजनेस इनकम है तुम्हारा, और वो भी जिसका इनकम डिटेल नहीं है तुम्हारे पास। सर मेरा बिजनेस इनकम है, इनकम डिटेल भी नहीं है, लेकिन आउटपुट वगैरह से भी इनकम है, ठीक है, आईटीआर 3 भर, आईटीआर 4 तभी भरने देंगे जब बिजनेस इनकम के अलावा और कोई इनकम नहीं है, ठीक है। बाकी कंडीशन सर भाई, 5,000 से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस नहीं है पिछले साल में, आईटीआर 5 बोला, इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी पर्सन अदर देन, मतलब ये हो गया कंपनी के लिए एक तरीके से, नहीं ना, देखो ठीक है ना, ये नॉर्मल कंपनीज के लिए हो गया आईटीआर 5, मतलब एक मिनट, गलती हो गई, फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी, या फिर जो लोग आईटीआर 7 भर रहे। सर कौन भर गया पर्सन, सर कंपनी ना बोल दिया, एचयूएफ ना बोल दिया, इंडिविजुअल ना बोल दिया, भर गया ना चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी बोले के लिए आ गया। आईटीआर 6 बोला कंपनीज के लिए, 6 और 7 कंपनीज के लिए अलग अलग टाइप का कहानी होगी, कोई एग्जम्पशन क्लेम कर रहा है वो कंपनी के लिए आईटीआर 6 है, जो एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर रहा है वो आईटीआर 7 है, वो अलग अलग कहानी। तो 1 हो गया नॉर्मल पर्सन के लिए जिनका 50 लाख से कम इनकम है, और बिजनेस और कैपिटल गेन का इनकम नहीं है। 2 हो गया जिनका सर कैपिटल गेन है लेकिन बिजनेस इनकम नहीं है। 3 हो गया जिनका बिजनेस इनकम है सर, और 4 हो गया जिनका बिजनेस इनकम भी है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है, 50 लाख से कम इनकम है, उनको ऑप्शन दिया, अगर आप अपने इनकम का इतना खर्चा वर्चा का डिटेल मेंटेन नहीं करते हो, चुपचाप सेल दिखाओ, अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो 6% प्रॉफिट मांग लो, एक बात वहां बोलना भूल गए, और सर मेरा बैंक अकाउंट में नहीं आता, हम तो कैश में कलेक्ट करते, छोटा मोटा दुकानदारी है मेरा, हो सकता है ना, अब नीचे जो गल्ला माल का दुकान है मेरे यहाँ, कंज्यूमर स्टोर इस टाइप का, बोलो तो कैश में भी पैसा लेते हैं, उनको बोला 8% इनकम मान लो, तुम अपनी प्रॉफिट 8%, तुम्हारा अगर पूरा बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो पूरा इनकम को 6% इनकम मान लो उसका, पूरा रिसिप्ट का, और अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट में से पूरा ही बैंक अकाउंट में नहीं आता मान लो तो 8% मान लो। सर आधा बैंक अकाउंट में आता, मान लीजिए मेरा 48 लाख अर्निंग है, 48 लाख रिसिप्ट है, रिसिप्ट अर्निंग नहीं है सॉरी, अब उसमें से ना सर
मेरा 28 लाख जो है ना वो तो बैंक अकाउंट में आया है, लेकिन बाकी कितना बच गया? 20 लाख और 20 वो मेरा कैश में आया है सर। गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, तुम इस 28 लाख का 6% नेट प्रॉफिट मान लो और 20 लाख का 8% नेट प्रॉफिट मान लो, दोनों जोड़ लो। अब अगर देख लो स्लैब रेट के हिसाब से या जिसके हिसाब से भी तुम काम फॉलो करते हो ऐसे, लेकिन दोनों में जोड़ने पे तो 814% हो गया। नहीं 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 नहीं, वैसे मत जोड़ो, 28 लाख पे 6% निकालो। अच्छा भाई जोड़ कैसे लो, 14% थोड़ी टैक्स इनकम मान लेंगे हम, जोड़ने नहीं बोला हम तुमको, हम बोला 28 लाख पे 6% निकालो पहले, 20 लाख पे 8% निकालो, फिर ऐड करो। ठीक है, अब अगर ये 2.5 लाख क्रॉस कर रहा है या 5 लाख क्रॉस कर रहा है तो उस हिसाब से टैक्स दो। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान रखने लायक था सर, ये ITR 3 का ऑप्शन ना सर किसको था? केवल टू एन SSC कंप्यूटिंग इज बिजनेस प्रोफेशन इनकम अंडर 44 ADA ADA ADA, सिर्फ इनके लिए ही है। ठीक बात ना? लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन, इंडिविजुअल होना या HUF या कोई पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP, मतलब LLP और कंपनी के लिए ये ऑप्शन है नहीं, उनको डिटेल मेंटेन करके ITR भरना ही पड़ेगा। हाँ, ITR 5 पार्टनरशिप फॉर्म मिसिंग हुआ, देख इंडिविजुअल HUF कंपनी या पर्सन फाइलिंग ITR 7 को छोड़ के बाकी सब पे, मतलब बच गया मेनली पार्टनरशिप और LLP, पार्टनरशिप और LLP के लिए ITR 5 है, ITR 6 और 7 कंपनीज के लिए। सर जब हम ये सब ITR जमा कर देते हैं, अब जो वहां से फॉर्म जनरेट होता है उस फॉर्म को बोलते हैं ITR V, वेरिफिकेशन फॉर्म बोलते हैं, मतलब तुम अपना पूरा डिटेल ITR भर के अपलोड कर दिया, अब अल्टीमेटली तेरा वहां से कोई प्रूफ जनरेट होगा ना कि तेरा रिटर्न लग गया, उसको बोलते हैं ITR V। ठीक है, हम लोग इसको फाइल कर सकते हैं? क्यों नहीं फाइल कर सकते? अगर तुम्हारा 1 करोड़ के नीचे इनकम है, 1 करोड़ के नीचे रिसिप्ट टर्नओवर, तो तुम बिल्कुल फाइल कर सकते हो। अगर तुम गुड्स का प्रॉफिट बिजनेस करता है तो, और तुम प्रोफेशन करता है तो 50 लाख के नीचे तेरा टर्नओवर है तो तुमको ऑडिट का तो दरकार नहीं, क्योंकि ऑडिट का नियम है 50 लाख के ऊपर 1 करोड़ के ऊपर, प्रोफेशन के लिए 50 लाख और बिजनेस वालों के लिए 1 लाख, 1 करोड़ सॉरी। तो तुम अपना रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं और खुद हम कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं 200%, लेकिन अगर ऑडिट में आ रहा है तुम तब नहीं, उसमें सिग्नेचर वेचर नहीं लगेगा, चाहते नहीं, बिल्कुल 50 लाख के नीचे और 1 करोड़ के नीचे क्यों लगेगा? ऑडिट वाला फाइल में चार्टेड का सिग्नेचर लगता है, बिना ऑडिट वाला फाइल में किसी का सिग्नेचर का दरकार नहीं, खुद फाइल करो जमला का तुमको। ठीक है, कोई संडे तुमको बुला के तुम्हारा रिटर्न फाइलिंग का तुमको तरीका दिखाएंगे, अपलोड नहीं करेंगे, भरना पूरा देख लेंगे, पूरा दिखा देंगे, बस खाली अपलोड बटन पे क्लिक नहीं करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे जो अपलोड कर देंगे तो ओरिजिनल है ना भाई, वो कोई डमी सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है, बनवा ही दीजिए। हाँ, बनवा देगा। तो अब देखो यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट सीखना, ये जो ITR V जनरेट होगा ना वहां से, अगर तुम्हारा आधार नंबर या डिजिटल सिग्नेचर किसी चीज से ना है तेरा लिंक, आधार से OTP जनरेट करके तुम अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फिर सिग्नेचर करके इसका कॉपी बैंगलोर भेजने का दरकार नहीं है, बैंगलोर या पुणे भेजने का दरकार नहीं है। ठीक है, अगर तेरे पास आधार नंबर से तेरा OTP आ रहा है या तेरा डिजिटल सिग्नेचर है तेरे पास, होता है ना ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर पासवर्ड देके, अगर वैसा कुछ है तब तो तेरे को ये कॉपी बस प्रिंट आउट करके अपने पास रख लो, वहां नीचे लिखा हुआ ही आएगा। अगर तुम डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू या OTP के थ्रू, आधार लिंक OTP के थ्रू या बैंक अकाउंट लिंक OTP के थ्रू अगर वो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो फिर तुम्हारे पास वो नीचे जो ITR का कॉपी जनरेट होगा ना उसमें नीचे लिखा हुआ ही आएगा, डोंट नीड टू सेंड टू बैंगलोर। ऐसे भी तो अभी तो 90% OTP से ही हो जाए, OTP से हो ही जाए,
लेकिन प्रॉब्लम होता है कभी जब पार्टनरशिप फर्म वगैरह है तब फिर क्या होता है ना, ओटीपी से नहीं होता पार्टनरशिप फर्म या कंपनी में ना, ओटीपी से नहीं होगा, वहाँ डायरेक्टर का या पार्टनर का, तुमको वो डिजिटल सिग्नेचर चाहिए। अभी हम एक जन का फाइलिंग करवाया था, इंडिविजुअली था, सॉरी पार्टनरशिप फर्म ही था लेकिन ऑडिट वाला नहीं था, तो उसका जुलाई में रिटर्न लगा था, तो उनका केस, उनका वही केस था कि पार्टनर का जो है ना उसका आधार नंबर है, उसका जब इंडिविजुअल रिटर्न लग रहा है तब आधार लिंक ओटीपी आ जा रहा है, लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट लगवा रहा है, रिटर्न लगवा रहा है वो, तब उसका आधार लिंक जनरेट नहीं हो रहा। तो फिर वहां पे हम लोगों को उसका प्रिंट आउट निकाल के ITRB का कॉपी का, या तो उसका डिजिटल सिग्नेचर होता, वो नहीं था उसके पास, वो DSC नहीं बनवाया था, तो हमने काम किया, हम लोग उसका ITRB का प्रिंट आउट निकाले, उसको फिजिकली साइन करवा के बैंगलोर बाई स्पीड पोस्ट भेज दिया। ये जो रिटर्न फाइल करेगा वही भेजेगा ना? नहीं नहीं, कोई भी भेज सकता, तुम खुद भेज सकते, तुम प्रिंट आउट निकालो, साइन करो, जैसे उसका रिटर्न हम लगाया, हम उसको उसका ITRB का कॉपी करके सॉफ्ट कॉपी भेज दिया, उसको बोला इसका प्रिंट आउट निकाल के बैंगलोर भेज दो, एड्रेस नीचे लिखा हुआ था, प्रिंट आउट निकाला, एनवेलप में डाला। यहाँ लेकिन एक बात जान लो कि ये जो क्या बोलते हैं वो प्राइवेट कुरियर होते हैं ना, वो नहीं होगा, ये जो पोस्ट ऑफिस से होता है ना रजिस्टर्ड पोस्ट, वो होगा, भेज दो बैंगलोर। तो दो तरीका है, या तो OTP लिंक से कर लो, आधार या बैंक अकाउंट नंबर से OTP आता है तो, और नहीं तो फिर BSC से कर लो, दोनों ही नहीं हो तो ITRB का प्रिंट आउट निकाल के फिजिकली भी भेज सकते, ठीक है। लोग पूछता है कि सर फिजिकली ऑडिट ये पेपर लिंक ITR बनता है क्या डिटेल? देखो यहाँ पे सीधा बात बोला, कंपनी या पॉलिटिकल पार्टी या पार्टनरशिप फर्म या LLP है तो इलेक्ट्रॉनिकली भी डिजिटल सिग्नेचर होना पड़ेगा, इंडिविजुअल है तो तुम चाहे तो ऑनलाइन OTP के थ्रू कर ले या फिर फिजिकली भी भेज सकते, बट इनमें कंपनी पॉलिटिकल पार्टी इनमें फिजिकली साइन करके भेजने का ऑप्शन नहीं दिया, इनको क्या बोला आपका डिजिटल सिग्नेचर होना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ टाइम लिमिट फॉर ऑडिट, टाइम लिमिट फॉर रिटर्न फाइलिंग, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो सिंपल याद रखो, अगर तुम कौन है, तुम कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसका ऑडिट तुम्हारा, अगर ऑडिट तुम ऐसे याद कर, तुम्हारा अगर ऑडिट होना है, ठीक है, या तुम कंपनी है तो तुम्हारे लिए लास्ट डेट है 30 नवंबर, ठीक है। अगर तुम ऑडिट है या कंपनी है, अगर तुम ऑडिट है या कंपनी है जिनका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, आई रिपीट मेरा बात ध्यान से सुनना, तुम ऑडिट, तुम्हारा ऑडिट हो रहा है, तुम कंपनी है और तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी है तो तुम्हारे लिए 30 नवंबर है। लेकिन तुम्हारा अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है लेकिन तुम्हारा ऑडिट होता है या तुम कंपनी है, तुम्हारा ऑडिट कब होगा? तुम इंडिविजुअल बिजनेसमैन भी है, 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, और अगर तुम प्रोफेशनल है 50 लाख के ऊपर टर्नओवर है, तुम्हारा ऑडिट होगा। तो तुम्हारा अगर ऑडिट होना है या तुम कंपनी है, कंपनी लेकिन विदाउट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, तो तुम्हारे लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो सिंपल बात हो गया ना सर, वो एंटिटी जिसका कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है उसके लिए लास्ट डेट 30 नवंबर। वो ऑडिट वाला एंटिटी या कोई कंपनी जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं करता उसके लिए 30 नवंबर, और तुम्हारा ऑडिट नहीं होना है, तुम इनके अलावा कुछ है, तो तुम्हारे लिए लास्ट डेट है 31 जुलाई। बस इतना याद रखो तुम्हारे लिए बहुत, ठीक है। अगर सर हम लेट फाइलिंग करते हैं, डिफॉल्ट कर जाते रिटर्न फाइलिंग में, तो तुम्हारा टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो तुम लेट रिटर्न लगा सकता है, लेकिन 1000 का फाइन के साथ। अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख से एक्सीड है तो 5000 का फाइन के साथ, ठीक है। ये तुम्हारे लिए रिटर्न फाइलिंग का कहानी है। इसके अलावा कुछ बात, 1% का जो फाइन जाता था वो 1% का फाइन
वो तो भैया जी वो तो तुम्हारा लग ही रहा है, ये उसके अलावा फाइन का बात हो रहा है। इस सेक्शन को अलावा ये 1005 हाँ इसको 234A बोलते हैं, ये फाइन तो लगेगा ही, ये तो फिक्स अमाउंट फाइन है और वो परसेंटेज तुम्हारे इनकम पे डिपेंड करेगा कितना इनकम और कितना टैक्स आ रहा है। अगर तुम कोई लॉस खा के बैठे है, बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, हॉर्स रेस का मेंटेनिंग का लॉस, या फिर 35AD का कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, और अगर तुम विद इन टाइम लिमिट रिटर्न फाइल नहीं करता है तो ये लॉस का तुमको आगे जाके कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं मिलेगा। मतलब अगर तुम्हारा कोई लॉस है तो भैया विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल करो, तुम लेट फाइन के साथ भी भरेगा ना तो भी ये लॉसेस का एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। तो करना ही बेहतर, लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है कोई वो कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा अगर तुम लेट रिटर्न लगाता है तब भी। ठीक है सर, लेट रिटर्न भी कब तक लगा सकते हैं सर, कोई जन्म जन्मांतर तक का टाइम थोड़ी ना होगा सर, टाइम लिमिट है बिल्कुल है, एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तुम्हारा असेसमेंट ईयर खत्म होने के पहले पहले तुम 21-22 में कमाया, तुम्हारा 22-23 असेसमेंट ईयर है। अगर तुम्हारा कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है तो 23 तक लास्ट डेट होगा। अगर तुम्हारा कंपनी है या ऑडिट होने वाला है लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है तो तुम्हारे लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट होगा, 31 अक्टूबर 2023। ठीक है ना, और अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं ना तो ऑडिट होना है न तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है तो तुम्हारे लिए 31 जुलाई 2023 था। ये हम सॉरी बात कर रहे हैं, एक मिनट गलती हो गया, ये 22-23 का इनकम है और तुम्हारा असेसमेंट ईयर है 23-24। 22-23 का इनकम है, अभी मार्च 2023 खत्म हुआ ना, उनके लिए लास्ट डेट है। मतलब सर जिनका ऑडिट नहीं होना था उनके लिए डेट गया आ गया, 31 जुलाई था उनके लिए। ठीक है, और अभी जिनका ऑडिट होने वाला है उनके लिए लास्ट डेट है 31 अक्टूबर या 30 नवंबर, वो दिखा जाएगा अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो तो 30 नवंबर, नहीं है तो फिर 31 अक्टूबर, इसके अंदर अंदर रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला टॉपिक आता है बिलेटेड रिटर्न, यही ऊपर जो पड़े थे सॉरी लेट रिटर्न इसी को तो बोलते हैं। इसके लिए देखो क्या बोला था, तुम्हारे लिए लास्ट डेट तुम्हारा एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर है। ठीक है ना, बोला एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब जो हम बोले थे ना चैरिटेबल ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टी को अलग से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पढ़ा दिया चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या बोला, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट और अदर लीगल ऑब्लिगेशन, तो चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे तुम या फिर रिलीजियस ट्रस्ट चला रहे तुम, तुमको कोई वहां से कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो तुमको एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 11 एंड 12 का। जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट है ना उनको सेक्शन 11 और 12 का एग्जम्पशन मिलता है, मतलब उनको टैक्सेबल नहीं माना जाता, तो उनको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा विद इन ड्यू डेट। हमें तो फिर 100 रुपीज तो कोई फायदा नहीं है, कौन सा टैक्स करता है। अरे भाई देना पड़ेगा रिटर्न कंपलसरी, नहीं तो चैरिटेबल ट्रस्ट का लाइसेंस छिन जाएगा या जो एग्जम्पशन मिलता है वो छिन जाएगा। इतना आसान थोड़ी, तभी तो गवर्नमेंट इनको अलग से लिख के पढ़ा रहे हैं। इनके लिए वो टाइम अमाउंट लिमिट वेना तेना कुछ नहीं है, इनको करना ही है। जैसे कंपनी को रिटर्न लगाना ही पड़ेगा ना, वैसे इनको भी लगाना ही पड़ेगा वरना इनका एग्जम्पशन छिन जाएगा। ठीक है, हाँ एग्जम्पशन माइनस करने के बाद भी इनका इनकम अगर मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर रहा है तब कंपलसरी है। मतलब मेरा टोटल इनकम आया मान ले 6 लाख, सेक्शन 11-12 का एग्जम्पशन है 1.5 लाख, मेरा इनकम 2.5 लाख क्रॉस कर रहा है, हमको रिटर्न लगाना पड़ेगा। नहीं क्रॉस कर रहा मतलब, ठीक है, लेकिन हम लोग इनको एडवाइस देते हैं आपका इनकम कुछ भी हो रहा हो नहीं हो रहा रिटर्न जरूर फाइल करो। सेम बात पॉलिटिकल पार्टी के लिए बोला, अगर वो सेक्शन 13 का एग्जम्पशन माइनस करने के बाद उसका मैक्सिमम अमाउंट क्रॉस कर रहा है
तो उसको रिटर्न फाइल करना है, नहीं क्रॉस करा तो नहीं करना है। सेम बात साइंटिफिक रिसर्च के लिए, मतलब सीधा बात बोला इन तीनों के लिए इनका जो एग्जम्पशन का सेक्शन अलग है ना, इनको तो अलग छूट मिलता है, चैरिटेबल ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टी या साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को, ठीक है ना। ये एग्जम्पशन माइनस करने के पहले, ये जो तीनों ही पार्टी को एग्जम्पशन जो मिलते हैं, ये एग्जम्पशन माइनस करने के पहले, बिफोर अलाउिंग एग्जम्पशन, अगर उनका अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट क्रॉस कर रहा है, मेरा एक गलती हो गया है बोलने में, ये माइनस करने के पहले, मान लो मेरा इनकम आ रहा है 350,000, ठीक है, और मेरे को एग्जम्पशन है 1,50,000 का, तो माइनस करने के बाद मेरा इनकम कितना आ जा रहा है, 3,00,000, 3.5 लाख में 1.5 लाख गया, 2 लाख, तो 2.5 लाख तो क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तुमको तो रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए नहीं। ना गलत बात हो गया, ये एग्जम्पशन माइनस करने के पहले देखो तुम्हारा इनकम क्रॉस कर रहा है कि नहीं, मतलब जो भी तुमको, तुम चैरिटेबल पार्टी हो तुमको 13A का एग्जम्पशन मिलता है, सॉरी 11 और 12 का, तुम पॉलिटिकल पार्टी हो तो 13A का एग्जम्पशन मिलता है, वैसे साइंटिफिक रिसर्च को भी कुछ एक छूट मिलता है, ये छूट माइनस करने के पहले का इनकम देखो, मतलब जीटीआई, क्योंकि छूट माइनस करने के बाद तो टोटल इनकम आ जाता है ना, तो जीटीआई अगर तुम्हारा एग्जम्पशन लिमिट को पार कर रहा है 2.5 लाख वाला, तो तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल पीपल के लिए नहीं था, नॉर्मल पीपल के लिए बोला था टोटल इनकम देखो 2.5 लाख पार कर रहा है, मतलब 80% का छूट मिलने के बाद वाला पार्ट देखो, नॉर्मल आदमी के लिए अगर अभी 2.5 लाख क्रॉस कर रहे हैं 80% का छूट लेने के बाद भी, तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी, नहीं तो नहीं। लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टी या साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को क्या बोला कि आप लोगों को जो भी छूट मिलने वाला है वो छूट मिलने के पहले देखो तुम्हारा इनकम 2.5 लाख क्रॉस कर रहा है, अगर कर रहा है तो तुमको रिटर्न तो फाइल करना है, ठीक है, टैक्स नहीं लगेगा ना, क्योंकि जब तुम एग्जम्पशन लेगा तो तुम 2.5 लाख के नीचे आ जाएगा, ठीक है, तुमको टैक्स नहीं देना है, लेकिन रिटर्न फाइल तुम करो, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है तुम्हारा डिटेल उनके पास आए, यूनिवर्सिटी कॉलेज उनको भी वही बात बोला, उनको भी कई एक एग्जम्पशन मिलता है ना, उनको भी यही बात बोला, नहीं सॉरी यूनिवर्सिटी कॉलेज को तो बोला एग्जम्पशन हो नहीं हो, तुम्हारा इनकम जीरो हो लॉस हो, इन तीनों को क्या, इन तीनों को तो ये बोला करना ही पड़ेगा। हाँ, अगला एक टॉपिक है रिवाइज रिटर्न, सर हम रिटर्न भरे लेकिन गलत भर दिए, अब हमको चेंज करना है, कर लो रिटर्न को रिवाइज कर लो, लेकिन सर 31 दिसंबर कंप्लीट होने के पहले पहले, फ्रॉम द ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब मेरे को जुलाई में रिटर्न भरना था, हम इंडिविजुअल आदमी है, हम प्रोफेशनल है, मेरा 50 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है, मेरे को जुलाई में रिटर्न फाइल करना चाहिए, हम किया, हम 29 जुलाई को रिटर्न फाइल कर दिया था, लेकिन अब मेरे को ना अब जाके, अभी कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर, मेरे को मेरा गलती मिला, हम रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं, सर कर सकते हैं लेकिन 31 दिसंबर के अंदर, ये दिसंबर जो आने वाला है ना, हाँ, और यही एक गलती और भी हो गया, ऊपर में भी जब बोला था ना कि कितना लेट तक बिलेटेड रिटर्न कर सकते हैं, हम बोला था ना एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, नहीं वहां पर भी 31 दिसंबर ही है, ये ना यहाँ पर भी जो बोले 31 दिसंबर, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ काम का बात और बहुत बड़ा नहीं है सर, एक तो होता है रिवाइज रिटर्न, मतलब हमको गलती मिला हम ठीक किए, ठीक है, एक होता है डिफेक्टिव रिटर्न, हमको गलती नहीं मिला था लेकिन मेरा डिपार्टमेंट गलती निकाल दिया, ठीक है, तो वो हमको एक मौका देगा कि देखो भैया तुम्हारे डॉक्यूमेंट में हमको ये गड़बड़ मिला है,
तुम चाहो तो रिटर्न को वापस ठीक करके नया रिटर्न लगा सकते हो, लेकिन विद इंटरेस्ट पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, करेगा तो विद इंटरेस्ट, ऑब्वियस बात है। हम अरे तो हमको गलती नहीं मिला, गलती वो पकड़ा है, मौका दे रहा वही बड़ा बात है गलती सुधारने का। यहाँ बोला जिस दिन तुमको ये होगा नोटिस आया उसके 15 दिन के अंदर तुमको तुम्हारा गलती ठीक करना है। ठीक है, ITR भी बताए थे वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। यहाँ पे काम का बात है सर, साइन कौन करेगा ITR पे? अगर तुम इंडिविजुअल है तो खुद साइन करेगा अपने रिटर्न पे। ठीक है, अगर तुम इंडिविजुअल है लेकिन इंडिया के बाहर है तो तुम्हारा कोई ऑथराइज पर्सन साइन करेगा। अगर इंडिविजुअल मेंटली इनकैपेबल है तो उसका कोई गार्जियन साइन करेगा, या फिर इंडिविजुअल के लिए कोई रीजन से पॉसिबल नहीं है साइन करना, अदर कोई रीजन, तो फिर ऑथराइज आदमी साइन करेगा जिसको वो ऑथराइज किया। अगर तुम HUF है तो जनरली कर्ता साइन करेगा, और अगर कर्ता एब्सेंट फ्रॉम इंडिया है तो कोई भी एडल्ट मेंबर। अगर तुम पार्टनरशिप फॉर्म है तो जनरली मैनेजिंग पार्टनर साइन करेगा, अगर मैनेजिंग पार्टनर कोई कारण से इंडिया में नहीं है या नहीं साइन कर सकता है तो कोई भी एडल्ट पार्टनर साइन करेगा। मतलब पहला पावर जिसको मिल रहा है वो मेन याद रखना। अगर तुम LLP है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा, LLP में दो डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना पड़ता है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं कर सकता तो कोई और प्रिस्क्राइब पार्टनर। अगर तुम लोकल बॉडी है, म्यूनसिपैलिटी ये सब है, ग्राम पंचायत म्यूनसिपैलिटी कंटेनमेंट बोर्ड, तो उसका प्रिंसिपल ऑफिसर होगा कोई बोर्ड का, वो साइन करेगा। तुम पॉलिटिकल पार्टी है तो हर पॉलिटिकल पार्टी का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो साइन करेगा। अगर तुम कंपनी है तो जनरली MD साइन करेगा, MD नहीं है फिर एनी डायरेक्टर। ठीक है, अगर तुम्हारा कंपनी इंसॉल्वेंसी में चला गया, अभी केस चल रहा है इंसॉल्वेंसी का, बंद होने वाला है, लेकिन रिटर्न तो लगाना पड़ेगा, डेट आ गया है तो बंद हुआ नहीं है, बंद होने वाला है, तो फिर जो प्रोफेशनल अपॉइंट किया गया तुमको बंद करने के लिए वो प्रोफेशनल साइन करेगा। अगर तुम नॉन रेसिडेंट कंपनी, इंडिया के बाहर का कंपनी है तो इंडिया में और बिजनेस इंडिया में कर रहा है तो यहाँ पे किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा तुमको, वो साइन करेगा। कोई अगर एसोसिएशन है, क्लब एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उसका प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करेगा, तो ये सब लोगों को साइन करना पड़ता है। ये अपडेटेड रिटर्न नया है, यहाँ पे क्या बोले, एनी पर्सन वेदर और नॉट हैज बीन फर्निश्ड रिटर्न, मतलब वो न तो 139(1) नॉर्मल रिटर्न फाइल किया, न बिलेटेड न डिफेक्टिव, कोई सा रिटर्न फाइल नहीं किया, कोई प्रीवियस ईयर में, और डेट निकल गया सर, डेट तो 31 दिसंबर है असेसमेंट ईयर का, वो भी निकल गया, लेकिन आप वो रिटर्न फाइल करना चाहते हैं सर, कर सकता है, लेकिन 2-3 कंडीशन है। पहला बात, उसका लॉस रिटर्न नहीं होना चाहिए, और टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, उसका कोई रिफंड बनता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो फिर वो अपना ITR यू बोल के एक नया ITR है वो फाइल कर सकते। यू मतलब तुम खुद के लिए जो बोले थे ना? नहीं नहीं, यू वो तो एडवर्टाइजमेंट डिडक्शन था, इसको अपडेटेड रिटर्न बोलते हैं ना, ITR यू है। या फिर तुम्हारा कोई सर्च वगैरह चालू हुआ था, मतलब गवर्नमेंट आके तुम्हारा सर्वे सर्च कर रहा था, तुम्हारे यहाँ बहुत सारा मनी बुलियन ज्वेलरी पाया गया, तो तुम्हारे पड़ोसी के घर में जो हुआ था उसको बोला जाएगा ITR यू भरो और ये पूरा डिटेल वहां डालो। तुम तो डिटेल दिया नहीं था, हम लोग आगे चेक किए तो गड़बड़ पकड़ा गया, मान लो कोई 2-3 साल पुराना, तुम्हारे यहाँ जो वो आदमी का सर्च हुआ होगा उसके यहाँ जो पैसा मिला वो तो खाली पिछले ईयर का नहीं होगा, तो कई सालों का होगा सर, 1 साल में थोड़ी 3 रुपया जोड़ लिया था, खाली प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का खेला नहीं है, पे प्रीवियस के भी प्रीवियस ईयर का खेला है, तो उसको बोला गया होगा कि तुम्हारा ये डिटेल निकला है इसका ITR जो तुम फाइल करो, ये सब तुमको करना पड़ेगा।
इसका टाइम लिमिट क्या बोला, जिस जब तक तुम्हारा टाइम विद इन 24 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब आदमी 2 साल तक भी और रिटर्न फाइल कर सकते असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद, ITRU में ऑप्शन दिया उसने, ठीक है सर। इस पर टैक्स लगेगा, ऑब्वियस बात है, तुम्हारा अपडेटेड रिटर्न तुम फाइल कर रहे हो तो जितना तुम्हारा टैक्स बनता है उसमें माइनस करो, अगर कुछ एडवांस टैक्स दिया हुआ है या TDS कटा हुआ है तो बाकी टैक्स तुम जमा करोगे विथ इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है पढ़ने के, हो गया। पैन नंबर मेरे को खाली ज्ञान बाजी, पैन नंबर क्या होता है, पैन नंबर किसको मिलता है, पैन नंबर किसको लेना कंपलसरी है और कब तक लेना पड़ेगा। तो देखो जिसका इनकम टैक्स का एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस कर रहा है, मतलब 2.5 लाख क्रॉस कर रहा है, या तुम एक ही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो जो 2.5 लाख का है, तो तुमको 31 मई के अंदर पैन नंबर लेना पड़ेगा। कोई ऐसा आदमी जिसका सेल या टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा है, सर इनकम तो 5 लाख पे जो है 10% भी कमाया तो 50,000 ही कमाया, लेकिन टर्नओवर है तो 5 लाख से ज्यादा, उसको भी पैन नंबर लेना पड़ेगा। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है या पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी पैन नंबर लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। कोई का अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है पैन नंबर लेना पड़ेगा। कोई अगर अंडर GST आ रहा है तो सर GST नंबर तो मिलेगा ही नहीं विदाउट पैन नंबर, पहले पैन नंबर लो फिर GST के लिए रजिस्ट्रेशन करो। कई एक स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स है, तुम अगर उनमें एंटर कर रहे हो तो जिस दिन वो ट्रांजेक्शन में घुस रहे हो उसके 7 दिन के अंदर पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर तुम पेनल्टी फॉर फेलियर टू अप्लाई फॉर पैन, अगर पैन नंबर नहीं अप्लाई करते हो तो 10,000 तक का पेनल्टी है। सर कोई ये सब कंडीशन में फॉल नहीं करता लेकिन आप पैन नंबर लेना चाहते हैं, ले लो, कोई ना नहीं है, वॉलेंट्री पैन तो ऑलवेज अलाउड है, ठीक है ना। ये पैन नंबर क्या अलग है या पैन कार्ड वाला है? पैन कार्ड वाले बोल रहे हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, उसी का बात हो रहा है। तुम पैन नंबर के लिए अप्लाई करोगे, तुम इंडियन सिटीजन हो या इंडियन कंपनी हो या कोई इंडियन बिजनेसमैन हो तो तुमको 49A भरना पड़ेगा, और तुमको फॉरेन का तो 49AA फॉर्म होता है वो भरना पड़ेगा पैन के लिए अप्लाई करने के लिए। पैन नंबर सर कहाँ कहाँ ऑलवेज यूज होता है? सर आप कोई भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करो, कोई भी इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट जमा करो, कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को जवाब दे रहे हो, आधार नंबर के लिए तुमको अप्लाई करना है तो भी पैन नंबर होना पड़ेगा। कौन कौन से, देखो ये तुम अगर मोटर व्हीकल खरीद रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हो अपने नाम पे तो पैन नंबर लगेगा, बैंक अकाउंट खोलते हो तो पैन नंबर लगेगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेते हो पैन नंबर लगेगा, डीमैट अकाउंट खोलते हो पैन नंबर लगेगा, कोई भी कैश जमा कर रहे हो 50,000 से ऊपर, कोई होटल वगैरह का बिल पेमेंट कर रहे हो 50,000 के ऊपर, बैंक अकाउंट में 50,000 के ऊपर कैश जमा कर रहे हो, 50,000 के ऊपर का म्यूचुअल फंड खोल रहे हो, 50,000 का कोई डिबेंचर या उससे ज्यादा वैल्यू का डिबेंचर खरीद रहे हो, है ना, तो ये सब चीज में तुमको पैन नंबर पहले भरना पड़ेगा। इतना ज्ञान याद करने का दरकार नहीं है पूरा। TDS और TCS सर्टिफिकेट में पैन नंबर और आधार नंबर देना कंपलसरी है। ये इसमें और कुछ पढ़ने को नहीं है। हो गया, ये सेल्फ असेसमेंट और इंटीमेशन में पढ़ने का दरकार नहीं है, मोटा मोटी हो गया। खत्म है तुम्हारा IT इनकम टैक्स खत्म।